दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंथन कार्यक्रम में। आज का शीर्षक है, जब माँ ने बेच दिए अपने गहने। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी हस्ती के बारे में जिनका जिक्र बहुत खोजने के बाद ही आपको कहीं दिखाई देगा, और वो हैं सुब्बा राव। उनके बारे में जानते हैं कुछ अनोखी बातें। उस पढ़ाई का को छूट जाना था जिसमें कामयाबी दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। मैट्रिक में दो बार फेल होकर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पास हुआ जाए, मन पढ़ाई में कैसे रमाया जाए। मन इतना चंचल था कि जिधर आवाज़ होती उधर भाग लेता, और एक बार भाग जाता तो लौटने में बहुत जोर आता। अपनी पढ़ाई बोझिल और दुनिया के अन्य तमाम विषय दिलचस्प लगते थे। ले देकर गणित की किताबों में मन ठहरता था क्योंकि वहाँ डोर सुलझी हुई थी। एक बार तरीका पता चल गया तो प्रश्न हल करते बढ़ते चलो, पर बाकी विषय पहाड़ लगते थे। काश एक ही विषय की परीक्षा होती तो सफलता कदम चूमती, लेकिन यहाँ अनेक विषय मिलकर गणित की कमाई पर पानी फेर देते थे। छवि बन गई थी कि इस लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता। गांव से शहर गया लेकिन वहाँ भी फेल। ऊपर से भागे ने भी पीठ दिखा दी, और समय ही पिता का साया उठ गया, गांव लौटना पड़ा। उम्र में 18 साल लग चुका था और दिखने लगा था कि अब आगे की पढ़ाई पर पूर्ण विराम लग जाएगा। शहर में रहने आने जाने और परीक्षा फीस इत्यादि का बोझ भारी था। एक ऐसे बड़े खर्चे से जिनके सामने घुटने टेक देना तय लग रहा था, पर एक दिन माँ अपना पूरा उत्साह समेटे सामने आ खड़ी हुई। चल बांध अपना सामान, परीक्षा के दिन आ रहे हैं, इस बार तुझे सफल होना ही है। बेटा स्तब्ध था। माँ ने आंचल से रुपए निकाले और बेटे की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले तेरी यात्रा का खर्च और परीक्षा का फीस। सवाल वाजिब था, अम्मा कहाँ से आए पैसे? माँ ने अपने को समेटते हुए नजरें झुकाए कहा, मैंने अपने बचे हुए गहने बेच दिए, तेरी पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। पिता के गुजर जाने के बाद टूटी हुई माँ की सुनी आंखों में झांकते हुए बेटा भाव में बह चला। उसके दो बार फेल हो जाने के बावजूद माँ का विश्वास कायम था। वह अपनी सबसे बड़ी पूंजी बेटे की पढ़ाई पर लगा रही थी। माँ का यह रूप देख बेटा मानो हठात नींद से जाग गया। वह ऐसी प्यारी माँ की उम्मीद को दो बार से तोड़ रहा था, और अब भी उलझने इतनी हैं कि तीसरी बार भी तोड़ने की तैयारी लगती है। माँ अपने जेवर बेचकर खड़ी है कि बेटा पास कर जाए, आगे पढ़ाई करके कुछ बन जाए, और बेटा है कि अपने मन को काबू में नहीं रख सकता। जहाँ पूरी जिंदगी दाव पर लगी हो, वहाँ एक परीक्षा परेशान कर रही है। बेटे का मन धिक्कार उठा। कुछ पल की भाव प्रबल खामोशी के बाद मन ने ठान लिया और बोल पड़ा, अम्मा मुझे नाम कमाना होगा, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा। बेटे की अच्छी पढ़ाई के लिए माँ का समर्पण नया नहीं था। अब बेटे की समझ में आ रहा था कि कैसे वह घर से भाग रहा था। 5 साल पहले दूर काशी पहुंचकर केले बेच पैसा कमाने की योजना थी। स्कूल से लौटने में देरी होती तो माँ खोज में दौड़ पड़ी थी और भागते बेटे को पकड़ लाई थी और समझाया था कि गरीबी से मत घबरा, सिर्फ पढ़ाई से मन लगा। तब बात बेटे की समझ में नहीं आई थी, पर जब माँ ने अपने गहने बेच दिए तब बेटा ने हौसला इतना फौलादी हो गया कि जिंदगी में कभी फेल होने या कभी हारने की गुंजाइश ही नहीं बची। कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले मैट्रिक और उसके बाद मेडिकल कॉलेज, लेकिन दुर्भाग्य ने भी पीछा नहीं छोड़ा।
उष्णकटिबंधीय स्प्रू नामक छोटी आंत में होने वाले बीमारी की वजह से पहले बड़े भाई और फिर छोटे भाई की जान चली गई। दृढ़ता और बढ़ी कि मेडिकल की पढ़ाई और शोध के जरिए इस बीमारी का इलाज खोजना है। भारत में रिसर्च की सुविधा नहीं थी, विदेश जाना मजबूरी थी। 1923 में माँ के लाल येल्ला प्रगडा सुब्बाराव निकल चले कुछ कर गुजरने। अमेरिका में जहाँ एक ओर संघर्ष का कारवां था, वहीं दूसरी ओर था उपलब्धियों का चमकदार सिलसिला। पहले फोलिक एसिड, एंटी फोलिक एसिड, एटीपी एनर्जी फॉर लाइफ, फॉस्फोस मेथड, फिलारियासिस विटामिन B12 इत्यादि अनेक आधारभूत उपलब्धियों को सुब्बाराव ने अंजाम दिया। प्रचार से हमेशा दूर रहने वाले संकोची सुब्बाराव 25 वर्ष लगातार अमेरिका में विज्ञान की सेवा करते रहे। भाइयों को जो रोग दुनिया से ले गया था, उसके इलाज की खोज के साथ ही कैंसर के इलाज, कीमोथेरेपी की भी बुनियाद सुब्बाराव के खाते में दर्ज है। अब भारत लौटने का सपना संजोए महज 53 वर्ष की उम्र में दुनिया से चले गए। उनके निधन के बाद एक अखबार ने लिखा, वह सदी से सबसे प्रख्यात चिकित्सा दिमागों में से एक थे। तो किसी ने भारत माँ के उस लाल को सम्मान से नवाजते हुए दर्ज किया, बौनों के बीच कद्दावर। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से नई नई कहानियाँ जो कि अनसुनी हैं, आपके पास लेकर आएंगे। धन्यवाद।